गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। कैसे हो मित्रों आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है दोस्तों वाईफाई यूजीसी इस नेट के हिंदी चैनल पर। आप सभी का दोस्तों स्वागत है। मित्रों जैसा कि सभी को पता है आज होगी 24 जून दोस्तों, और 24 जून के लिए अपन जो करंट अफेयर्स लेके आए मित्रों, ये आपके 23 जून 2020 से संबंधित घटनाओं से संबंधित रहेगा। मित्रों सभी को गुड मॉर्निंग, दोस्तों जय श्री कृष्णा। कैसे हो मित्रों आप सभी लोग, गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग राकेश जी, गुड मॉर्निंग काजू जी, गुड मॉर्निंग रितु चोपड़ा जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों जय श्री कृष्ण। रितु चोपड़ा जी गुड मॉर्निंग आपको, प्रमोद यादव जी गुड मॉर्निंग, सीका जी गुड मॉर्निंग, कर्मलेश जी गुड मॉर्निंग, ओके शिव प्रकाश गुड मॉर्निंग, सुमन जाट गुड मॉर्निंग दोस्तों जय श्री कृष्णा, मेघा चौधरी गुड मॉर्निंग, राधा जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो मित्रों शुरू करते हैं अपना सेशन। सब लोग जुड़ चुके हैं मित्रों, सारे स्टूडेंट जितने भी हैं मित्रों, एग्जैक्ट अपना डॉट अपने 7 बजे अपना सेशन शुरू होता है, और 7 से 7:20 तक दोस्तों अपना सेशन चलता है, जिसमें मैं आप लोगों से पिछले दिन में घटित घटनाओं से टॉप 10 क्वेश्चंस आपके सामने लेके आता हूँ, उनसे संबंधित आपसे बातें करता हूँ मित्रों। तो सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए मित्रों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग कीर्ति, गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सब लोग जुड़ जाइए मित्रों फटाफट। चंद्रभान जी गुड मॉर्निंग, कीर्ति जी गुड मॉर्निंग, यतीश चौधरी उपाध्याय जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों जय श्री कृष्णा। सब लोग जय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो मतलब सेशन को शुरू करते हैं मित्रों। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बना है आज की विधवाओं के लिए, जो विडोज होती है दोस्तों विडोज के लिए, विधवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है मित्रों। तो मैं तो बताना चाहूंगा आपको कि विधवाओं के लिए दोस्तों हर वर्ष ये दिवस 23 जून को मनाया जाता है मित्रों, ओके। विधवाओं के लिए मित्रों ये दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है मित्रों। आप देख सकते हो मित्रों विधवाओं के लिए अपन बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस होता है विधवाओं के लिए दोस्तों, वो आपका 23 जून को मनाया जाता है, यानी मित्रों इंटरनेशनल विडोज डे जो होता है वो 23 जून को मनाया जाता है। मित्रों अपन बताना चाहेंगे कि विधवाओं के लिए दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीजन होता है मित्रों कि यह दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाजों को और अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करने और उनके पास मौजूद अद्वितीय समर्थन को गैलनाइज करने के लिए जाना जाता है मित्रों, ओके मित्रों। तो इसलिए दोस्तों ये दिवस हमेशा 23 जून को मनाने की बात की जाती है, ओके। अगला क्वेश्चन आपका बनाया दोस्तों शरणार्थियों के लिए। दोस्तों इसके बारे में बता चुका था कि शरणार्थी क्या होते हैं, ये मैं पिछली कक्षाओं में बता चुका था। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त दोस्तों UNHCR दोस्तों, जिसको अपन बोलते हैं यूनाइटेड नेशन हायर कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। तो बताऊंगा दोस्तों यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी का मुख्यालय मित्रों कहां पर है। मित्रों बताना चाहूंगा दोस्तों इसका मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड, दोस्तों जेनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। देखो मित्रों देखना चाहूंगा दोस्तों इसकी स्थापना, देखो अपन बात करें यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इसकी स्थापना हुई थी मतलब 14 दिसंबर 1950 में, ओके। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों, ओके। और इसका काम क्या, इस संगठन का काम क्या है दोस्तों, इस संगठन का काम है दोस्तों कि रोहिंग्यों के स्वैच्छिक सुरक्षित और गरिमापूर्ण वापसी और सभी जबरदस्त विस्थापित लोगों के लिए स्थिति बनाए रखना मित्रों, ओके, और उनके लिए एक तरह से कार्य करना, यही इसका काम होता है मित्रों। तो इसमें खास बात यह है कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी इसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1950 में, मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ओके मित्रों। और वर्तमान जो अगर बात करें, इसका जो प्रमुख वर्तमान हुआ है फिलिपो ग्रांडी, जो इसका वर्तमान दोस्तों कौन है, प्रमुख है, ओके मित्रों। आगे तो इसका काम क्या होता है आप जानते हो, तो इसका काम होता है शरणार्थियों के साथ, यानी जो दुर्व्यवहार होता है, जो उल्लंघन होता है या जो कोई गलत काम होता है उसकी आवश्यकता पर ध्यान देना और उसको दूर करने पर बल देना, यही इसका काम रहेगा मित्रों, ओके। अब देखो मित्रों अगला क्वेश्चन आपका बना है आपका कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नेविक GPS उपग्रह के लिए भारतीय रिसीवर चिप वर्सेस दुर्व विकसित किया मित्रों। तो ये आपका आईआईटी बॉम्बे दोस्तों, ओके। इसमें खास बात ये मित्रों आईआईटी बॉम्बे, आप देख सकते हो मित्रों कि आईआईटी बॉम्बे ने एक देसी रिसीवर चिप विकसित किया जिसका नाम है दुर्व।
इसका उपयोग मित्रों स्मार्टफोन्स व नेविगेशन डिवाइस में देश के भीतर स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए किया जा सकता है। एक बात तो ये, ध्रुव को भारत के नेविक समूह के नेविगेशन उपग्रह के साथ यूएस ग्लोबल पोजिशन सिस्टम आधारित उपग्रहों से संकेत प्राप्त हो गए ताकि वे सभी मौसम स्थितियों के अनुसार इसका सटीक निर्धारण कर सके, यानी मौसम की पूरी सही तरीके से जानकारी दे सके मित्रों। इसलिए दोस्तों इसकी खोज आईआईटी बॉम्बे के द्वारा की गई जिसका नाम ध्रुव रखा गया। ओके आगे मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। दोस्तों अगला क्वेश्चन बना आप लोगों के लिए आज का कि निम्नलिखित में से किसने भारत के सबसे बड़े और पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 में इसने एक उद्घाटन किया मित्रों। रिपीट करो दोस्तों कि इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने भारत के सबसे बड़े और पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 में से एक का उद्घाटन किया मित्रों। तो ये आपके मनसुख मंडाविया। कौन है दोस्तों? मनसुख मंडाविया। देख सकते हो दोस्तों मनसुख मंडाविया जो कौन है मित्रों, मनसुख मंडाविया जी को आप देख सकते हो। तो ये कौन है? केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत के सबसे बड़े और पहले वर्चुअल हेल्थ केयर स्वच्छता एक्सपीओ 2020 में का उद्घाटन किया मित्रों। इस तरह का ये दोस्तों ये जो है आपका एक्सपो जो है मित्रों, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रसार को बढ़ाने के उद्देश्य से अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन फिक्की के द्वारा किया गया मित्रों। ओके अब देखो मित्रों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें मित्रों, अगला क्वेश्चन बता कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों के लिए सह ब्रांड कार्ड स्वास्थ्य प्रोग्राम, दोस्तों स्वास्थ्य प्रोग्राम, क्योंकि दोस्तों अभी COVID-19 को लेकर आए दिन कोई ना कोई क्वेश्चन बनता रहता है मित्रों। ओके तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों के लिए सह ब्रांड कार्ड स्वास्थ्य प्रोग्राम के शुभारंभ के लिए अफोर्ड प्लान के साथ भागीदारी की मित्रों, अफोर्ड प्लान के साथ भागीदारी की। तो मित्रों ये आपका यस बैंक जो आपका प्राइवेट सेक्टर का बैंक है यस बैंक दोस्तों। तो अपन बात कर सकते हैं मित्रों, इसमें कहा गया कि भारतीय ऋणदाता यस बैंक ने हेल्थ केयर फिटनेक अफोर्ड प्लान के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड हेल्थ केयर का लॉन्च किया मित्रों, ताकि परिवारों को अपनी हेल्थ केयर फाइनेंस जरूरतों को योजना बनाने और प्रतिबंधित करने में सक्षम बनाया जा सके मित्रों। क्योंकि मित्रों अभी COVID-19 को लेकर प्रॉब्लम चल रही मित्रों, तो हेल्थ कार्ड के माध्यम से आप लोग अपना मेडिकल बीमा करवा सकते हो। ये पहल किसकी है? यस बैंक की। यस बैंक जिसकी स्थापना 1904 में हुई। ओके मित्रों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में इसके। ओके मित्रों आगे अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों निधन में से बनाया आपका कि हाल ही में लक्ष्मण सिंह नेहल मित्रों, हाल ही में मित्रों लक्ष्मण सिंह नेहल का निधन हो गया। वह एक है दोस्तों, ये एक सैन्य अधिकारी मित्रों। कौन है? ये एक सैन्य अधिकारी दोस्तों। जब हाल ही में लक्ष्मण सिंह नेहल का जो निधन हुआ मित्रों, ये कौन है? एक सैन्य अधिकारी। आप देख सकते हो मित्रों इनका जो निधन हुआ ये कौन है? एक सैन्य अधिकारी। और इनके बारे में कुछ जानकारी की आवश्यकता नहीं मित्रों। 1971 जो भारत का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का दबा, उस समय दोस्तों मेजर जनरल ने अपनी अहम भूमिका निभाई। ओके आगे उसके बाद अगला क्वेश्चन बना मित्रों, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस दोस्तों, यूनाइटेड नेशन पब्लिक दोस्तों, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे की बात करो, ये हर वर्ष कब मनाया जाता है मित्रों? तो ये आता है 23 जून को। तो मित्रों इससे आपको दो बातें याद हो जाएगी कि 23 जून को 23 जून को दो दिवस हो गए, एक हो गया अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस दोस्तों, और एक हो गया संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। ये दो दिवस होते हैं 23 जून को मनाए जाते हैं मित्रों। ओके तो आप देख सकते हो दोस्तों यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मित्रों, ये हर वर्ष 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है मित्रों। और इस दिन की विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा को महत्व देने का इसका मेन उद्देश्य होता है मित्रों। ओके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो दोस्तों, अगला क्वेश्चन बना आप लोगों के लिए मित्रों, अगला क्वेश्चन बना है कि निम्नलिखित में से मित्रों इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में डेली मेंटेन कर सकते हो एक वन लाइनर के रूप में। ओके अगला क्वेश्चन बना कि निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक जोखिम प्रबंधक इंटरनेशनल एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नया नियुक्त किया गया मित्रों? क्वेश्चन पूछा गया मित्रों कि निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक जोखिम प्रबंधक इंटरनेशनल एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया मित्रों? तो ये आपके निराकर प्रधान। कौन मित्रों? निराकर प्रधान, जिसको आप देख सकते हो मित्रों। तो निराकर प्रधान ने अपने नए भारत कार्यालय के व्यावसायिक जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के मुख्य कार्यकारी के रूप में अपना पद नियुक्त किया है। ओके आगे अगला क्वेश्चन बना दोस्तों, भारत सरकार ने 50,000 मेड इन इंडिया
वेंटिलेटर बनाने का आवंटन। वेंटिलेटर आप समझते दोस्तों, अभी कोविड 19 को लेकर बातचीत चली है, तो भारत सरकार ने 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर बनाने का आवंटन बनाने के लिए दोस्तों कितने 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए मित्रों। इसका मतलब 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर यानी मित्रों चाइनीज आइटम को रोकने के लिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। किसके लिए? मेड इन इंडिया वेंटिलेटर बनाने के लिए। ओके मित्रों, तो आप समझ सकते हो दोस्तों, ये आप इसको समझ सकते हो, इस तरह के 50,000 बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए मित्रों। ओके, अगले क्वेश्चन की और बात करो, अगला क्वेश्चन बताया संयुक्त राज्य सरकार ने मित्रों कब ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी आवासीय कार्य वीजा को निलंबित करने का निर्णय लिया। तो मित्रों संयुक्त राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2020 को ग्रीन कार्ड और गैर आप्रवासी कार्य वीजा को निलंबित करने का निर्णय लिया मित्रों। ओके, देखो मित्रों, अपन कह सकते हैं मार्च 2020 में कोविड 19 को महामारी घोषित करने के बाद वैश्विक आर्थिक संकट के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने अमेरिका के नागरिकों के लिए नौकरियों की सुरक्षा के प्रयास में 31 दिसंबर 2020 तक ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी काम वीजा को निलंबित करने का फैसला लिया मित्रों। ओके, अगला क्वेश्चन बना दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने कान फिल्म मार्केट 2020 में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया? तो मित्रों ये आपके प्रकाश जावड़ेकर दोस्तों आप जानते हो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मित्रों कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया मित्रों। ओके, क्लियर सभी को यहाँ तक? आगे इसमें दो बात और ध्यान रखना कि इस वर्ष भारत के फेस्टिवल के दौरान स्क्रीनिंग के लिए दो फिल्में भेजी है जिनका नाम है मायाघाट अपराध संख्या मित्रों। ओके, एक आ जाती है हेलेरो दोस्तों, कौन सा लगी? हेलेरो। तो मायाघाट अपराध संख्या मराठी में, हेलेरो जो है वो गुजरात के लिए मित्रों। ओके, और मित्रों आज का जो लास्ट क्वेश्चन बना आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंदिरा रसोई योजना नाम से बताया रसोई योजना मित्रों कोविड 19 को लेकर अभी जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, जो फुटपाथ पर निवास करते हैं, उनको प्रतिदिन खाना दिलाने के लिए या खाना खिलाने के लिए दोस्तों राजस्थान के सीएम श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा दोस्तों इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। तो मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि उनकी सरकार जल्दी ही गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी और यह सुनिश्चित किया गया कि राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। ओके, इस योजना के तहत रियायती दरों पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन जरूरतमंदों को दिन में 2 बार प्रदान किया जाएगा मित्रों। ओके, राज्य सरकार हर साल इंदिरा रसोई योजना पर 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ऐसी बात मित्रों। वैसे आप जानते हो कि राजस्थान में इस तरह की योजना ऑलरेडी से पहले चल रही है जिसका नाम है अन्नपूर्णा रसोई योजना जो है मित्रों, अन्नपूर्णा रसोई योजना ऑलरेडी पहले चली है। इसी की तर्ज पर दोस्तों राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने की घोषणा भी की है मित्रों। ओके मित्रों, राजस्थान जिसकी स्थापना 30 मार्च 1949 में हुई, कैपिटल इसकी आपकी जयपुर है, जिलों की संख्या 33 है मित्रों, इसके गवर्नर कलराज मिश्रा है और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है, विधानसभा सीटें 200 है, लोकसभा सीटें 25 है, राज्यसभा की सीटें कितनी है आपकी 10 है मित्रों। ओके, तो ये आपके राजस्थान के संदर्भ में मित्रों। ओके मित्रों, तो ये था मित्रों आज का एक स्पेशल सेशन जो आपका 24 जून 2020 से संबंधित था मित्रों। छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेकर आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाना और इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो आपकी तैयारी को और आपके कंपटीशन एग्जाम्स को मजबूत बनाना, यही अपना उद्देश्य रहता है। छोटा सेशन रहता है मित्रों, लेकिन छोटे सेशन में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी 10 क्वेश्चनों के माध्यम से देना और एक न्यूज के माध्यम से आपको अपडेट करना, यही मेरा उद्देश्य रहता है। यानी सुबह 7 से लेकर लगभग 7:20 तक, यानी 20-15 मिनट का, यानी 20-25 मिनट का जो सेशन रहता है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन रहता है। तो इस सेशन को आप शेयर कीजिए मित्रों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़िए मित्रों। ज़्यादा जानकारी दोस्तों जरूरत नहीं होती, ज़्यादा जानकारी की जरूरत कब होती है मित्रों? जब अपन किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उस समय, एग्जाम के समय इस चीज़ की जरूरत होती है। तो अभी दोस्तों आप लोग केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर के बारे में आप लोग तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। थैंक यू, मिलते दोस्तों अभी 9 बजे आपके नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ।